हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो उन सारे बीबीए एस्पिरेंट्स के लिए जो कि आईबी मैट का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और स्पेशली आई एम इंदौर को टारगेट करने वाले हैं इन द ईयर 2024। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए बिकॉज आई एम इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी डेट्स जो है आईबी मैट एग्ज़ाम्स की वो आउट हो चुकी है विच इज़ 23rd of May 2024। तो तुम्हारी एग्ज़ाम्स की डेट आउट हो चुकी है, इस हिसाब से तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को लेकर भी और सीरियस हो जाना चाहिए। अगर तुमने अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, दिस इज़ द राइट टाइम, तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड आईपी मैट जैसे कि इंदौर कंडक्ट करवाता है, साथ ही साथ रोहतक भी मिलकर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, बट आई एम इंदौर इज़ द पेरेंट आई एम जिन्होंने आईपी मैट का एग्ज़ाम स्टार्ट किया था और उसके बाद इट वॉज़ फॉलोड बाई दी आई एम रोहतक। तो इंदौर जाना सबके प्रायोरिटी लिस्ट में तो ज़रूर होगा ही, जो भी एस्पिरेंट है अभी फ़िलहाल अपने 12th स्टैंडर्ड में, तो उनका ये सपना तो होगा ही कि आई एम इंदौर से आईपी मैट जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होने वाला है तुम्हारा, आई एम इंदौर से परस्यू करना है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हारे भी प्रायोरिटी लिस्ट में आई एम इंदौर जाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोज रिलेटेड टू आईपीएम एंड बीबीए तुम्हें सबसे पहले मैन्युअल बीबीए एंट्रेंस पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल बीबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्युअल एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्युअल बीबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अ नंबर 8828581455 या फिर 54। इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन विजिट अ सेंटर्स वसई, दादर, थाने, बोरिवली एंड अंधेरी एज वेल। और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है, तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइन, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर्स, फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट बुक्स एंड ई बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रैटेजीज एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो वॉट आर यू ऑल वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू आर नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। नाउ द आईपीएम एट इंदौर, इट वॉज लॉन्च्ड बाय आई एम इंदौर इन 2011। द 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, आई एम इंदौर इन्होंने ही आईपीएम का प्रोग्राम स्टार्ट किया था विच वॉज फॉलोड बाय रोहतक, और फिर बाद में और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईपीएम का प्रोग्राम तुम्हें ऑफर करेंगे, बट येस इट वॉज स्टार्टेड बाय आई एम इंदौर। द प्रोग्राम हैज़ बीन एक्रीडेटेड बाई द एसोसिएशन ऑफ एम बी एस लंडन फॉर द 4th and 5th year। इट इज़ अ यूनिक एंड क्रिएटिव प्रोग्राम मेंट फॉर यंग स्टूडेंट्स विद मैनेजेरियल एंड लीडरशिप एस्पायरेशंस। तो अगर तुम एक एस्पिरेंट हो जो कि अपने 12th में अभी फ़िलहाल हो एंड यू वॉन्ट टू परस्यू द बी बी ए प्रोग्राम, बट तुम ये सोच रहे हो कि एक ऐसा कॉलेज तुम्हें मिल जाए कि जहाँ पर तुम्हारे 3 साल के बी बी ए भी हो जाए और एडिशनल 2 ईयर्स का एम बी ए भी हो जाए, ताकि तुम 5 साल के बाद एक कंप्लीट डिग्री लेकर यहाँ से बाहर निकलो, देन आई एम इंदौर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट होने वाला है। थ्रू द आई पी एम आई एम इंदौर सीक्स टू अट्रैक्ट यंग स्टूडेंट्स एंड मोल्ड देम एज आउटस्टैंडिंग लीडर्स थ्रू अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। और जब ये बोल रहे हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, दे ऑल्सो मीन इट, क्योंकि यहाँ से तुम्हें फैकल्टीज़, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी ही चीज़ें टॉप नॉच देखने को मिलेंगी। तो अगर तुम्हारी फेरिश में कहीं ना कहीं आई एम इंदौर है तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर ही रखना। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जनरल NCOBS एंड EWS कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% मार्क्स इन 10th and 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, और मैक्सिमम एज जो तुम्हारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 ईयर्स ऑफ एज एज ऑफ जुलाई। अगर तुम SC ST एंड PWD से हो तो मिनिमम 55% इन 10th and 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और मैक्सिमम एज अगेन 20 ईयर्स एज ऑफ जुलाई। कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू कम्प्लीट 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ जून आर ऑल्सो एलिजिबल। सपोज अगर तुम अब अपने 12th स्टैंडर्ड में हो और जून में नेक्स्ट ईयर तुम अपना 12th ख़त्म कर लोगे, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब सिलेबस की बात करते हैं, ये कॉमन सिलेबस होने वाला है आई पी मैट का, जो कि तुम आई एम इंदौर में और रोहतक दोनों में देखने वाले हो। ये कुछ कॉमन सिलेबस हैं, 2 सेक्शन होंगे, हालांकि रोहतक में तुम्हारे पास 1 सेक्शन और ऐड हो जाएगा, बट इंदौर में तुम्हारे पास 2 ही सेक्शन होने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी, जिसके अंदर टॉपिक्स मिलेंगे तुमको सच एज डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सेट थियरी, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम, स्पीड। और वर्बल की अगर बात करें तो इसमें तुम्हें टॉपिक मिलेंगे सच एज पैराग्राफ कंप्लीशन, वर्ड यूसेज,
पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ग्रामर। तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन सब्जेक्ट फॉर आईपी मैट, जो कि दोनों ही इंस्टीट्यूट मिलकर करवाते हैं। अगर हम स्पेशली इंदौर के सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर तुम्हें तीन सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एमसीक्यू टाइप्स में, फिर होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी एसे मींस शॉर्ट आंसर्स और वर्बल एबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में तुम्हें मिलने वाले हैं वो है 30, शॉर्ट आंसर्स में 15 और वर्बल एबिलिटी में तुम्हें मिलेंगे 45। टाइम ड्यूरेशन हर एक सेक्शन के लिए तुम्हें मिलते हैं 40 मिनट्स। अगर मार्किंग पैटर्न की बात करी जाए, फॉर आईपी मैट इट इंक्लूड्स क्वेश्चंस वर्थ 4 मार्क्स ईच एंड देर इज अ पेनल्टी ऑफ 1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो तुम्हें हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं यहाँ पर +4, हर एक नेगेटिव आंसर के लिए मिलते हैं -1 की मार्किंग। तो तुम अपना आंसर सोच समझ के यहाँ पर मार्क करना, श्योर नहीं हो तो उसको बेटर छोड़ दो तुम, बट उसको गलत मार्क मत करना, क्योंकि तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे 5 मार्क्स कटने वाले हैं। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग में सिर्फ तुम्हारे 1 मार्क्स कटने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1 मार्क तो कटेंगे यहाँ पर, +4 मार्क्स भी कट जाएंगे, तो ओवरऑल यू विल बी लूजिंग 5 मार्क्स हो गया। तो अगर श्योर नहीं हो उसको छोड़ दो, और जो तुम श्योर हो उसके लिए तुम मार्क कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग +4 की मार्किंग। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटीज शॉर्ट आंसर सेक्शन, तो इनमें तुम्हें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, शॉर्ट आंसर्स में तुम्हें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर तो तुम आराम से इसको 15 के 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर सेक्शन वाइज सिलेबस की बात करी जाए, तुम्हारे टॉपिक्स होंगे सच एज नंबर सिस्टम्स, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, रूट्स, इंडाइसेस एंड सर्च, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अल्जेब्रिक फॉर्मूला, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ज्योमेट्री में से लाइन्स, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, पॉलीगॉन्स, सर्कल्स एंड मेंसुरेशन, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तुम्हें यहाँ पर अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स का जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में होता है। तुम्हें अकॉर्डिंगली उतनी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टू आई एम इंदौर। अगर वर्बल की बात करें तो तुम्हें टॉपिक पढ़ने होंगे एटीमोलॉजी एंड रूट्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, नाउन एंड प्रोनाउन एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रिपोजिशंस एंड कंजक्शंस, टेंसेस, मॉडिफायर्स एंड पैरेललिज्म, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेजेस, सिलोगिज्म, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, डिडक्टिव रीजनिंग। अगर तुम मैन्यूअर के स्टूडेंट हो, इफ़ यू हैव जॉइंड दी लाइव क्लास या फिर तुमने क्लासरूम सेशंस ज्वाइन किए हैं रिगार्डलेस ऑफ दी बैचेस, तो तुम्हें ये सारे जो हैं टॉपिक्स इनके वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, विच विल बी वेरी हैंडी फॉर योर प्रिपरेशन। तुम वीडियो देखकर इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो ईजिली, साथ में तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बट येस वीडियो फॉर्मेट सबसे ईजी फॉर्मेट होगा तुम्हारे लिए अगर तुम इन सारे सेक्शंस को अच्छे से मास्टर करना चाहते हो। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करी जाए तो ये बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, इसको फाइनल कट ऑफ मत समझना। अब तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली लिस्ट आउट नहीं हुई है। इट इज़ बेस्ड ऑन दी पैटर्न ऑफ 2023, क्योंकि 23 में जैसे कट ऑफ्स निकले थे उसी के बेस पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि तुम इतना तो शायद एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से आते हो तो तुम्हारी कट ऑफ रेंज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 240 से लेकर 250 मार्क्स की। AWS से आते हो तो 210 से लेकर 220, NCOBC से आते हो तो 185 से लेकर 200, SC 140 से लेकर 150, ST के लिए भी बिल्कुल सेम, और अगर PWD कैटेगरी से आ रहे हो तो 170 से लेकर 190। अगेन दिस इज़ नॉट योर फाइनल कट ऑफ, इसको फाइनल कट ऑफ मत समझना, यू हैव टू स्कोर मोर देन दिस। जैसे ही अगर कुछ अपडेट आता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कट ऑफ को लेकर, विल डेफिनेटली मेक द वीडियो, तो उसके लिए चैनल से तुम बने रहो और ये कट ऑफ को ध्यान में रखकर ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हु फुलफिल द अबव मेंशनड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म दैट एम्स एट इवैल्यूएटिंग एप्लीकेंट्स प्रोफिशिएंसी इन एकेडमिक्स एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर तुम्हारे एकेड्स एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी।
तो अगर तुमने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करा हुआ है और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद होगा तुम्हारा ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद होगी अनाउंसमेंट सिलेक्शन लिस्ट की और तुम्हें एक्सेप्टेंस ऑफर दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हारा प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा फॉर द IPM प्रोग्राम एट IIM इंदौर। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 150 यहाँ पर सीट्स तुम्हें देखने को मिलेगी फॉर द IPM प्रोग्राम और फी स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स के लिए तुम पे कर सकते हो यहाँ पर 35 लाख रुपीज़, विच इज़ अगेन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट तुम कंसिडर कर सकते हो बिकॉज यहाँ से ROI जो है वो तुम्हें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। IIM है तो डेफिनेटली इसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है एंड IIM इंदौर जो कि वन ऑफ इट्स काइंड जिन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो ये तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छा पैकेजेस यहाँ से देने ही वाले हैं। डेट मत भूलना, May 23rd इज़ योर एग्जामिनेशन, तो अगर तुमने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी है फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये मे कब आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो तो तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी बिजी होने वाले हो राइट, तो तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तो अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम, डिस्क्रिप्शन में बैचेस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट दी नंबर्स और बैचेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दो और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी सो दैट उनको पता चल जाए कि एग्जाम्स की डेट्स जो हैं वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट हो चुकी है और उन्हें कट ऑफ सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी पता चल जाए। सो यस गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू एंड इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअर बीबी एंट्रेंस फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।